हेलो भाई, मैं वंकित। बच्चे बच्चे जानते हैं कि थार का जल्दी नया मॉडल आने वाला है, लेकिन मजाल है थार के सेल्स में गिरावट हो जाए, दबा के बिक रही है वो आज भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में अपन महिंद्रा की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे, मॉडल वाइज पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, और उसमें अपने को कौन कौन सा इंजन ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही कौन कौन सा ट्रांसमिशन मिल जाता है ये भी जानेंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है। तो महिंद्रा ने टोटल मार्च के महीने में 40,631 गाड़ियों को बेचा ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 42,401 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब भाई 1770 गाड़ियां इनकी कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। यहाँ पे तो भले ही इनका सेल्स आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है, लेकिन थार के सेल्स में इंप्रूवमेंट हुआ है भाई। वीडियो देखो, आपको सब चीज पता चल जाएगा। ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ना 40,631 यूनिट का मार्च महीने का, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना बिका है आओ जान लेते हैं फटाफट। इनके पास ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है भाई, लेकिन 7 मॉडल को ये लोग बेचते हैं। तो 7th नंबर पे है भाई मराजो। इसकी मार्च में 51 यूनिट बिकी है, 51 यूनिट ओनली, जबकि फरवरी में भी 51 यूनिट ही बिकी थी। मतलब 0 यूनिट का इस कार ने इंप्रूवमेंट करा है। ये आपको 16,88,000 रुपए से शुरू होकर 20,04,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है बस, मैनुअल के साथ, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, महिंद्रा वाले अगर आज भी मराजो को अपडेट कर देते हैं ना, तो ये कार दबा के बिकने लगेगी। लेकिन अपडेट ही नहीं करेंगे भाई, उनको फुर्सती कहाँ है। खैर बात करें अगली गाड़ी की, तो 6th नंबर पे इनकी आई है XUV400। ये एक इलेक्ट्रिक कार है भाई। इसकी मार्च में 350 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में 610 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 260 गाड़ियाँ इस कार की कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। 260 गाड़ियाँ इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ही है भाई। अगर देखा जाए तो ये नेक्सॉन से अच्छा खासा बीट करती है, लेकिन उसके जैसे ये कभी भी बिक नहीं पाती, पता नहीं क्यों भाई। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है यार, 18,32,000 रुपये से शुरू होके मोटा मोटी 20,89,000 रुपये तक मिलती है, इसीलिए शायद से ये कम बिकती है भाई। इसमें आपको 375 किलोमीटर से लेके 456 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है। बाकी 5th नंबर पे है XUV300। इसकी 2,072 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 4,218 यूनिट का था। मतलब 2,146 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने XUV300 की। ये आपको 9,36,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 17,29,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी 4th नंबर पे थार, जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र करा था। इस कार की 6,049 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 5,812 यूनिट का था। मतलब 237 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने थार की। ये कार आपको 13,24,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 21,18,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। इवन आज के रेट में आपको 4x2 का भी ऑप्शन मिल जाता है, 4x4 का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो चाहिए वो आप खरीद सकते हो। बाकी 3rd नंबर पे इनकी XUV700। इसकी भाई 6,611 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 6,546 यूनिट का था। मतलब 65 गाड़ियाँ XUV700 की ज़्यादा बिकी है, जो कि ठीक है भाई, इतना इंप्रूवमेंट अच्छा है, लेकिन थोड़ा और इंप्रूवमेंट करना चाहिए था XUV700 को। लेकिन अगर देखा जाए ना, ये कार भाई सफारी हैरियर से तो ज़्यादा ही बिक रही है। टाटा की सफारी और हैरियर का इतना गंदा सेल हो रहा है ना भाई आजकल, पूछो मत। XUV700 आपको मोटा मोटी 16,61,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 32,23,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। इवन आपको रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें। बाकी 2nd नंबर पे आई है बोलेरो सीरीज, इनकी यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं भाई। दोनों कंबाइन 10,347 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 10,113 यूनिट का था। मतलब 234 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने बोलेरो सीरीज की, 234 गाड़ियाँ, जो कि ठीक है भाई। अगर आप बोलेरो नॉर्मल लेते हो क्लासिक वाला, तो आपको 11,58,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 12,85,000 रुपये तक मिल जाती है। वहीं अगर आप बोलेरो नियो की तरफ जाते हो, तो वो मोटा मोटी 11,58,000 रुपये से शुरू होकर 14,29,000 रुपये तक मिल जाती है। दोनों गाड़ियों में आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, ऑटोमेटिक भी नहीं मिलता, इवन पेट्रोल इंजन भी नहीं मिलता। बाकी नंबर 1 पे आई है हमेशा की तरह स्कॉर्पियो सीरीज, इनकी यहाँ पे भी आज के रेट में दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। दोनों कंबाइन 15,151 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 15,051 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 100 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो की ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हो, तो 16,14,000 रुपये से शुरू होकर 20,88,000 रुपये तक मिल जाती है। वहीं अगर आप स्कॉर्पियो एन लेते हो, तो वो आपको 16,16,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 29,35,000 रुपए तक मिल जाती है।
स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको बस डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, वहीं आप एन की तरफ जाते हो तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। तो यही कहानी है भाई महिंद्रा की सारी गाड़ियों का मार्च महीने का। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय हिंद सभी को।